नमस्ते टाइम्स आई फैमिली, हम क्रांति संभव। आज हम नई बलिनो चलाने वाले हैं। जी हाँ, इसके लॉन्च की खबर आप देख चुके हैं। इसके प्राइसेस के बारे में आपको पता है, इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में आपको पता है। नए अवतार में आने वाली इस बलिनो में नया क्या है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दो लोगों के लिए ये कंफर्टेबल सेकेंड रो देख सकते हैं, तेज से चला रहे हैं तो कम महसूस करते हैं उस लैग को। सेफ्टी को लेकर जो सवाल बार बार उठ रहे थे वहां पे भी जवाब देने की कोशिश की है। आमतौर पर नया अवतार हम कॉस्मेटिक या छोटे मोटे बदलावों के साथ भी उस वर्ड को यूज कर लेते हैं, लेकिन इस नई बलिनो के मामले में वो एक खास वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये एक फुल मॉडल चेंज है। और इसके अलावा एक और फिगर शायद आपने लॉन्च के वक्त देखा होगा कि ऑलमोस्ट 1150 करोड़ रुपए कंपनी ने इस नई बलिनो के ऊपर खर्च किए हैं। तो ऑब्वियसली दिमाग में ये सवाल था कि क्या कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं जिस पर कंपनी ने इतना खर्चा किया है। इसके अलावा ये भी सवाल आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे कस्टमर्स में कि सेफ्टी को लेकर कंपनीज क्या कर रही हैं, खासकर मारुति की गाड़ियाँ क्या कर रही हैं, उसका भी जवाब ढूंढेंगे। और इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब बात बार बार इसके कम्युनिकेशन में, इसके एड्स में, इसके प्रमोशंस में टेक की हो रही थी, तो क्या कुछ खास नई टेक्नोलॉजी आप इसमें देख सकते हैं, नए गैजेट्स देख सकते हैं। तो ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको पहले पता हैं, जो चीज़ नहीं पता है वो इसकी ड्राइविंग। और इसी वजह से स्टोरी की शुरुआत आज हम कर रहे हैं बलिनो की ड्राइव के साथ। टेक और बाकी फीचर्स के बारे में तो आगे बताऊंगा, पहले ड्राइव के बारे में बात कर लेते हैं। वही तो एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में अभी तक हमने बातचीत नहीं की थी। गोवा आया हूँ इसे चलाने के लिए। दोनों ही वर्जन हमारे पास है, यानी जो ट्रांसमिशन के वर्जन है मैनुअल और AGS। पहले मैनुअल की बात करूँ और उसके बाद AGS की भी मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे गोवा के टेरेन या गोवा की सड़कों में एक चीज़ का फायदा है, वो ये कि कुछ एक हाईवे वाली सड़कें हैं और कुछ एक छोटी पहाड़ियों वाली भी सड़कें आपको दिखेंगी, जिससे कि मोर लेस अंदाज़ा लग जाएगा कि परफॉर्मेंस कैसा है इस कार का। अगर हम ग्रंट की बात करें, ताकत की बात करें, तो यहाँ इंजन जो है वो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, जिसमें ताकत अराउंड 89 BHP की है अगर हम पेपर पे बात करें, और टॉर्क जो है वो 130 Nm का है। और ये फिगर्स जो है वो सड़क के ऊपर अगर मैं कहूँ तो अभी भी जितना पेपर के ऊपर अगर आप देखें तो माइंड ब्लोइंग नहीं लगते हैं। रोड के ऊपर भी माइंड ब्लोइंग नंबर आपको ये परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं लेगा, लेकिन ताकत एडिक्वेट लगेगी जहाँ पर अर्बन माहौल में, या इवन अगर समतल हाईवेज के ऊपर भी अगर आप चार लोगों के साथ जा रहे हैं तो आपको ये ताकतवर गाड़ी लगेगी। हाँ, ऑब्वियसली स्पोर्टी बहुत ज़्यादा शायद न लगे। स्टीयरिंग व्हील में भी अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा फील अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्पोर्टी टाइप की कार वाली फील आपको रहेगी। तो अगर आप एक रोमांचक एक पावर पैक्ड हैच चाहते हैं तो वहाँ पे आप हो सकता है निराश हो। लेकिन अगर यूटिलिटी सेंट्रिक शहरी माहौल में एक प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं तो उसके लिए ये ड्राइव मुझे ठीक लग रही है। एक बदलाव जो कंपनी ने कहा है कि बहुत ज़्यादा खास है, या जिसके ऊपर मेरी नज़र खास तौर पे थी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन जो सस्पेंशन सेटअप है उससे कंपनी ने पूरी तरह से बदला था जैसा कंपनी कह रही थी। और उसका असर अब ये है कि पहले से बहुत बेहतर मुझे राइड क्वालिटी लग रही है। जो सस्पेंशन का साउंड भी आता है वो थोड़ा सा रीअश्योरिंग आपको रहेगा, और ओवरऑल कंफर्ट का लेवल मुझे पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। प्लस फर्मनेस एक महसूस मैंने की है इसके ड्राइव क्वालिटी में, चाहे वो उबड़ खाबड़ सड़कें हों या फिर स्पीड ब्रेकर्स हों, तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आप महसूस करेंगे। और अब बात करते हैं इसकी हैंडलिंग की। तो सस्पेंशन के बारे में मैंने कह दिया, आप पहले से बेहतर पकड़ के साथ ये जाने वाली गाड़ी बनती है। और हल्का सा बॉडी रोल, क्योंकि मैं जोश में, जैसे मैंने कहा कि पहाड़ियों वाले रास्ते में थोड़ा सा तेज़ घुमा रहा था, हल्का सा बॉडी रोल अभी महसूस करते हैं। ब्रेकिंग के मामले में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी शार्पनेस की गुंजाइश अभी बाकी है, वो थोड़ा सॉफ्ट है। शहरी इलाकों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी तेज़ गाड़ी ड्राइव करना चाह रहे हैं, वहाँ पे बेहतर प्रिसाइज ब्रेकिंग और ज़्यादा मज़ेदार ड्राइव इसे बनाएगी। तो ये मोर ऑर लेस मैनुअल ट्रांसमिशन की बात हमने कर ली है। आप AGS चलाते हैं, AGS जो है वो अब तब्दीली है, बलिनो में AGS यानी ऑटो गियर शिफ्ट नहीं आती थी, अब उस ट्रांसमिशन को कंपनी लेके आई है। क्यों? क्योंकि कंपनी का कहना है कि पहले ज़्यादा किफ़ायती हो गया। वैसे आपको बताएं कि मैनुअल ट्रांसमिशन की जो टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी है वो 22.3 के आसपास है, और 22.9 के आसपास है AGS यानी ऑटो गियर शिफ्ट वाले वर्जन की फ्यूल एफिशिएंसी टेस्टेड।
AGS वर्जन के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, वहां जो क्रूज आप कर रहे हैं तब ज्यादा आप महसूस करते हैं उसको, और अगर आप तेज से चला रहे हैं तो कम महसूस करते हैं उस लैग को जो AGS वाले ट्रांसमिशन में आपको देखने को मिलता है, जब एक गियर से दूसरे गियर में ये शिफ्ट होता हुआ महसूस होता है। जब आप क्रूज कर रहे थे शहरी ट्रैफिक में वो कई बार बात चुभती है, वो थोड़ी सी और एक्साइटिंग, थोड़ी सी और क्रिस्प होती जो गियर शिफ्ट होती तो और ज़्यादा मज़ेदार इसकी ड्राइव होती। यहाँ पे मुझे लगता है कि मैनुअल वाला ड्राइव जो है वो मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा बलिनो का। बलिनो की लुक की बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ी सबसे खास तब्दीली आपको इसके चेहरे में नजर आएगी। अगर हम इसके बम्पर फ्रंट ग्रिल और हेडलैम्प के पूरे यूनिट को देखें तो ओवरऑल आपको इसमें नए एडिशंस देखने को मिलेंगे, क्रोम का एडिशन देखने को मिलेगा, बम्पर के डिजाइन में चेंज होगा, यहाँ नीचे फॉग लैम्प है, ओवरऑल क्रोम का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल है और कुछ एक लेयर्स ऐसे हैं जो आपको नए दिखेंगे, यानी दूर से ही आप देखेंगे इसे तो पहचान जाएंगे कि ये नई वाली बलिनो है। एक और तब्दीली वो आप देख सकते हैं प्रेसिशन कट अलॉयज के साथ, ये नया आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी वो है इसका टेल लैम्प का पूरा डिजाइन और यहाँ पे भी क्रोम का इस्तेमाल, तो पीछे से भी जब आप इसका आपको फॉलो करेंगे तुरंत आप समझेंगे कि हाँ ये नई वाली बलिनो है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। कैसा बात करते हैं टेक की, जो इस नई बलिनो में आप देख सकते हैं और आधी कहानी तो इसी हिस्से को देख के आपको समझ में आ जाएगी, आधी कहानी इधर ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो बटन्स आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा खास हैं इस नई बलिनो में, एक तो HUD यानी हेड अप डिस्प्ले और दूसरा आपके पास ये 360 डिग्री कैमरा व्यू जो देखने को मिलेगा। तो इसे मैं करता हूँ स्टार्ट और यहाँ पर आप देखिएगा जादू या हेड अप डिस्प्ले एक मारुति सुजुकी बलिनो में, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर भी मुझे लगी और अब जब देख रहा हूँ तो देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। मारुति सुजुकी में हेड अप डिस्प्ले वो बलिनो में आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताऊँ कि इससे शुरू में जब मैंने देखा था तो मैं देख नहीं पा रहा था, तब पता चला कि इसके अलावा भी सेटिंग है और सेटिंग ये है कि आप इसे अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ देखने को मिल रही है या बटन जिसके बारे में मैं कह रहा था कि आधी कहानी खत्म हो जाएगी, आप देख सकते हैं इस कैमरा को मैंने ऑन किया और 360 डिग्री कैमरा व्यू मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, अलग अलग व्यूज़ मैं देख सकता हूँ। एक अच्छी चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा HUD की तरह ही केवल नाम के लिए नहीं दिया गया, रेजोल्यूशन अच्छा लग रहा है, कंसिस्टेंट इसका परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है और ओवरऑल जो रेजोल्यूशन है कैमरे के वो भी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर एक यूजफुल प्रॉपर 360 डिग्री कैमरा विद गुड रेजोल्यूशन देखने को मुझे मिल रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये दो खास बटन है। अब बात करते हैं उस फीचर की जो आजकल किसी भी कस्टमर के दिमाग में सबसे पहले या मे बी सेकेंड नंबर पर आता है, वो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन कितना हरा भरा है, कितना एडवांस है। और यहाँ पर मारुति सुजुकी ने इस स्क्रीन के ऊपर काफ़ी काम किया है क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन पहले से ज़्यादा आपको इसमें मिल रहा है। फीचर कनेक्टिविटी वाले फीचर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 40 के आसपास जो फीचर्स हैं इसमें आप देख सकते हैं और इसके अलावा आप वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं। आपको बताएं कि सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ क्या क्या बता रहे हैं, ऑब्वियसली जो आप कनेक्टिविटी का फीचर है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले दे रहा है, नेटवर्क का, फ्यूल इकोनॉमी दे रहा है, रेंज दे रहा है, इसके अलावा स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और फेवरेट जो है आप अपने जो कमांड्स हैं वो भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसके अलावा ये है डैशबोर्ड जहाँ पर क्विक एक्सेस हब आपको देखने को मिलेगा और इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल का जो पूरा यूनिट देखने को मिलेगा, ये भी काफी स्टाइलिश और कंटेम्प्रेरी लग रहा है। आप इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर दो एनालॉग आपको डायल देखने को मिलेगा, टैको और स्पीडो का, साथ में फ्यूल लगेज भी इसमें दिया गया है। सेकेंड रो में चलते हैं, वहाँ पे भी एक एडिशन ऐसा है जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ मारुति सुजुकी बलिनो। यहाँ पे इस यूनिट को देखिए, यहाँ पर आप रियर एसी वेंट भी आपको देखने को मिलेगा और दो USB के पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे। फ़ोन वैसे जगह
कह सकते हैं कि फ़ोन के लिए, लेकिन बहुत छोटी यहाँ पर जगह है, सो ऑब्वियसली आपको फ़ोन अपने पास ही रखना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर डोर के किनारे में आप देखें तो एक बड़े बॉटल रखने की जगह है और थोड़ी सी और जगह, तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस मैं नहीं कहूँगा सामान रखने के लिए, लेकिन ये एक बॉटल और कुछ एक शायद फ़ोन रखने की आप जगह यहाँ देख सकते हैं। एक पॉकेट यहाँ मिलेगा, इस साइड आपको पॉकेट नहीं मिल रहा है। कुशनिंग मुझे अच्छी लग रही है, बैक की कुशनिंग भी मुझे अच्छी लग रही है, और यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दो मिलेंगे, बीच वाले पैसेंजर के लिए नहीं मिलेगा, यानी दो लोगों के लिए आप ये कंफर्टेबल सेकेंड रो देख सकते हैं। आइसोफिक्स आपको चाइल्ड सीट एंकरेजेस भी देखने को मिल रहे हैं, और इसके अलावा मैं कहूँ कि दो लोगों के लिए कंफर्टेबल नी रूम, थाई सपोर्ट ठीक ठाक, वही हेडरूम थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, तो बहुत टॉल पैसेंजर है, अदरवाइज एवरेज इंडियन हाइट के लिए हेडरूम भी ठीक है। तो थाई सपोर्ट, नी रूम, लेग स्पेस, कुशनिंग, ओवरऑल कंफर्टेबल लग रहा है, और प्लस आपके पास अब रियर एसी वेंट भी इसमें आप देख सकते हैं। तो ये कहानी है सेकेंड रो बलेनो। चलिए फर्स्ट और सेकेंड रो के बाद लगेज स्पेस की बात करें। यहाँ पर लगेज स्पेस पहले भी इंप्रेसिव हैचबैक के हिसाब से लगता ही था, यहाँ आप देख सकते हैं कि डीप है काफ़ी, तो सामान निकालने में भले ही मशक्कत हो तो, लेकिन बड़े लगेजेस आप इसमें डाल सकते हैं। एक फ़र्क यह है कि ऑलमोस्ट 21 लीटर्स की अब कमी है, पहले जो 339 था वो अब 318 लीटर्स के आसपास स्पेस जो है आपको लगेज स्पेस के तौर पर मिलता है, जो बॉडी के पिछले हिस्से के एंगल में चेंज की वजह से बदला है। आई नो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, जैसा कि वर्ल्ड फेमस सवाल है हमारा, तो वो बिंदु विश्राम करती है इसके जो फीचर्स हैं, खासकर सेफ्टी फीचर्स और इसके प्राइसिंग में जो एक तरह से रिस्ट्रेंट दिखाया है मारुति सुजुकी ने, इसके ऊपर खर्चा काफ़ी किया है, जो तब्दीलियाँ हैं चाहे फीचर्स हों या इसका सस्पेंशन हो या कैबिन के अंदर नॉइज़ की बात हो, वो सब अगर देखें तो पहले से कहीं बेहतर ये वर्जन मुझे लगता है बलिनो का परफॉर्मेंस के हिसाब से। AGS वाला वर्जन उतना मज़ेदार आपको नहीं लगेगा, लेकिन वो ज़्यादा किफ़ायती भी है। ऐसे में सेफ्टी को लेकर जो सवाल बार बार उठ रहे थे, वहाँ पे भी जवाब देने की कोशिश की है मारुति सुजुकी के इंजीनियर्स ने। 6 एयरबैग्स लगाए हैं और बाकी भी कई सारे फीचर्स ऐड हुए हैं। अब अगर क्रैश रेटिंग में थोड़ा सा प्रदर्शन इसका बेहतर हो जाए तो फिर शायद बाकी के कस्टमर्स भी अट्रैक्ट कर पाए मारुति सुजुकी। और इन सब के साथ कीमत को कंपनी ने काफ़ी अग्रेसिव तरीके से थोड़ा लिमिटेड ही रखा है, जो बढ़ोतरी हुई है, और उस हिसाब से लग रहा है कि बलिनो एक बार फिर से बहुत सारे नए तरह के कस्टमर्स को आकर्षित ज़रूर करेगी। आपको कैसी लगी गाड़ी और ये स्टोरी, प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, बाय तथा बाय।